हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा आप सबसे बहुत प्यार करता है और खुदा के इसी प्यार में आगे बढ़ते हैं और अपने एपिसोड का आगाज़ करते हैं। आए दुआ करें। मेहरबान बाप, तेरा शुक्र हो कि तू हमसे प्यार करता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। हम हर रोज़ तेरे प्यार में बढ़ते चले जाएँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बच्चों, आज भी मेरे पास आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मौजूद है और वो ये है कि इंसानी दिमाग यानी कि ह्यूमन ब्रेन दिन की बजाय रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलें, अब आपने इस फैक्ट को याद रखना है और इस फैक्ट को याद रखते हुए आज की एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्रिस और मैं आज आपको इस एक्टिविटी के सेगमेंट में खुशामदीद कहता हूं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे साथ शामिल हैं कुछ बच्चे और इन बच्चों के साथ मिलकर आज हम एक नई सरगर्मी करेंगे। मेरे हाथ में है ये बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर कलरफुल से पेपर्स हैं और इसके साथ है एक डाइस। जैसे ही मैं इस डाइस को इस बॉक्स में रखूँगा और इसको बंद करके हम इसे शेक करेंगे और जैसे ही इस बॉक्स को हम ओपन करेंगे और ये डाइस जिस कलर में भी होगा उस कलर की ये बच्चे मुझे एक चीज ला कर देंगे। ओके, सो आप बच्चों में से कौन पहले जाएगा? ओके, शाइना जाएगी। ओ वाओ, येलो कलर। शाइना, जल्दी से येलो कलर की कोई एक चीज लेकर आए। ओके, सो शाइना को जाते हैं 10 points। क्लैपिंग। ओके, अभी बारी है सारा की। ओके, पिंक कलर। सारा, पिंक कलर की जल्दी से चीज लेकर आए। वाओ, सारा के लिए भी बहुत सारी तालियां। और अब बारी है इशाइल की। वाओ, ऑरेंज कलर, जल्दी से ऑरेंज कलर की एक चीज लेकर आए। ओके, इशाइल को भी जाते हैं 10 points। क्लैपिंग। अभी बारी है समरना की। ओके, अभी रेड कलर की एक चीज लेके आएंगे। वाओ, सुमरना के लिए भी बहुत सारी तालियां। सो अभी बारी है स्टिफनेस की। ओके, स्टिफनेस लाएंगे ब्लैक कलर की कोई चीज। वाओ, आप मिलकर स्टिफनेस के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने इस एक्टिविटी को एंजॉय किया होगा। आप ये एक्टिविटी अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ और स्कूल में अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। थैंक यू। बच्चे तो गीत सुनकर खुश होते ही हैं, लेकिन हमारे आसमानी बाप को हमारे गीत सुनकर बेहद खुशी होती है और हम उसकी प्रेजेंस को अपनी ज़िंदगी में पाते हैं। आज भी एक नया एक्शन सॉन्ग सीखेंगे इशाइल, समरना, सारा और शाइना के साथ मिलकर। तो चले आए आज का गीत सीखते हैं। चलते कूदते पहाड़ों की जानिब बढ़ते चलो, खुदा हमारे साथ है। जाने
बच्चों आज की कहानी को सुनने से पहले अपने लिए एक छोटी सी दुआ करें कि आप आज की कहानी को याद रख सकें और साथ ही साथ दूसरों को भी बताएं कि आपने आज की कहानी से क्या सीखा। तो चलिए आइए सुनते हैं आज की कहानी। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रुबाब रजा और ये है स्टोरी टाइम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों क्या आप जानते हैं कि अच्छे बच्चे किनको कहते हैं? जी बिल्कुल, जो अपने माँ बाप का कहना मानते हैं और उनके लिए खुशी का बायस बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, वो स्कूल भी नहीं जाते और बहुत वक्त जाया करते हैं। ऐसे बच्चों को हॉस्टल भेज दिया जाता है। हॉस्टल की जिंदगी आसान नहीं होती और घर से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। आज भी हम एक ऐसे शख्स के बारे में सुनेंगे जो अपने घर से बहुत दूर था, बल्कि अपनी कौम इसराइल के साथ दुश्मन की कैद में था। उस शख्स का नाम हिस्कियल नबी था। बच्चों कौम इसराइल ने जब भी खुदा की नाफरमानी की तो खुदा ने उन्हें गैर कौम के हवाला कर दिया। बाबुल के बादशाह ने यहूदा पर हमला किया और यरूशलेम को कब्जा में कर लिया और उनके बहुत से मजहबी और सियासी उमरा को कैद करके बाबुल में ले गए। उनमें से एक शख्स हिस्कियल नबी भी था। हिस्कियल नबी को बचपन ही से काहिन बनने की तालीम दी गई थी ताकि वो हैकल में खुदा की खिदमत कर सके। लेकिन जब उसे कैद करके बाबुल में ले जाया गया तो वो सोचता था कि अब वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकता, लेकिन वो नहीं जानता था कि खुदा का उसके लिए कितना खास मंसूबा है। एक दिन खुदा ने हिस्कियल को रोया दी। रोया का मतलब खुली आंखों से खुदा की तरफ से कोई मंजर देखना है। खुदा का जलाल रोशन नूर की मानद आग से भरे चार जानदारों की शक्ल में हिस्कियल को दिखाई दिया। उनमें से हर एक के चार पर और चार चेहरे थे और उनके ऊपर नीलम का एक तख्त रोशनी से भरा हुआ कौसे कजा की मानद लगता था। हिस्कियल नबी ने जब ये देखा तो मुंह के बल गिर गया। तब खुदा ने हिस्कियल नबी से बात की और कहा कि मैं तुझे कौम इसराइल के पास भेजता हूँ क्योंकि वो जिद्दी और सख्त दिल हो चुके हैं और मेरी नाफरमानी करते हैं और गैर माबूदों की पूजा करते हैं। तो उनके पास जा और उनसे कह दे कि मैं खुदाए कादर मुतलिक हूँ और मैं उनका अच्छा चरवाहा हूँ। उसके बाद एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें एक तुमार था, यानी खुदा की तरफ से एक पैगाम। तब खुदा ने हिस्कियल नबी को कहा कि ये तुमार खा और जा। हिस्कियल नबी ने अपने दिल में सोचा कि ये कैसा अजीब हुक्म है, लेकिन उसके बावजूद उसने खुदा का हुक्म माना, वो तुमार खाया और चला गया। खुदा की रूह ने हिस्कियल नबी को उठाया और असीर यहूदियों के पास जो नहर कबार के किनारे पर रहते थे ले आया। खुदा ने हिस्कियल नबी को यहूदियों का चरवाहा मुकर्रर किया और उनसे कहा कि वो लोगों को उनके गुनाहों के बारे में आगाह करे। हिस्कियल नबी ने खुदा का कलाम लोगों पर वाजिया करने के लिए बहुत अजीबोगरीब काम किए। उसने मिट्टी का एक तोदा उठाया और उस पर यरूशलेम की तस्वीर खींची और उसके इर्द गिर्द एक ताकतवर फौज का जिक्र किया जिसका मकसद ये दिखाना था कि यरूशलेम का शहर तबाह होने वाला है। उसके बाद खुदा ने हिस्कियल नबी को हुक्म दिया कि वो 390 दिन अपनी बाएं जानिब और 40 दिन अपनी दाएं जानिब लेटे ताकि वो यरूशलेम के गुनाहों को बर्दाश्त कर सके। लोगों को ऐसा मालूम होता था कि हिस्कियल एक अजीब आदमी है, लेकिन वो वही काम करता था जिसका हुक्म खुदा ने उसको दिया था। फिर हिस्कियल नबी ने अपने सर के बाल मुंडवा दिए और उनका एक ताई हिस्सा जला दिया जिसका मकसद ये दिखाना था कि यरूशलेम जल्द तबाह होने वाला है। जब बाबिल की फौज ने यरूशलेम पर हमला किया तो हिस्कियल नबी ने अपने बालों का एक तिहाई हिस्सा तलवार से काट दिया जिसका मकसद ये दिखाना था कि यरूशलेम के लोग तलवार से हलाक कर दिए जाएंगे। उसके बाद हिस्कियल नबी ने अपने बालों का आखिरी हिस्सा हवा में बिखेर दिया, लेकिन कुछ बाल उसने अपने कपड़ों की सिलाई में बचा लिए जिसका मकसद ये दिखाना था कि खुदा अपने कुछ लोगों को महफूज रखेगा और दोबारा से वादा की गई सरजमीन पर ले जाएगा। इस बहादुर नबी ने इसराइल के लोगों को बताया कि हालात और खराब होंगे ना कि बेहतर। इस बात पर इसराइल के लोग हिस्कियल नबी से बहुत नाराज हुए, लेकिन फिर भी हिस्कियल नबी वही करता गया जैसा खुदा ने उसको करने का हुक्म दिया था। एक दिन हिस्कियल नबी इसराइल के बुजुर्गों के साथ बैठा हुआ था कि खुदा ने उसको एक और रोया दी। खुदा ने उसे बालों से उठाया और यरूशलेम की हैकल में ले गया।
उस हैकल में खुदा ने उसे रिंगती चीजें, नापाक दरिंदे और बुद्ध दिखाए। ये खुदा की हैकल में नहीं होना चाहिए था। और काहिन वहां खुदा की इबादत करने की बजाय उन बुतों की इबादत कर रहे थे। खुदा ने हिजकिएल नबी को ये भी दिखाया कि उस हैकल से खुदा की हजूरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है और यरूशलेम तबाह होने वाला है। जब ये रोया खत्म हुई तो हिजकिएल नबी ने इसराइल के बुजुर्गों को ये सारा वाकया सुनाया। जो भी खुदा ने कहा था वो सच साबित हुआ। यरूशलेम तबाह हो गया और बहुत से लोग हलाक हुए। ये देखकर तमाम असीर यहूदी बहुत हैरान हुए कि खुदा ने उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन खुदा ने अपने बंदा हिजकिएल नबी को एक और रोया दी। वो उसे खुश्क हड्डियों यानी इंसानी हड्डियों से भरी वादी में ले गया और उससे कहा, क्या ये खुश्क हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हिजकिएल ने कहा, ए खुदा, तू जानता है, ये खुश्क हड्डियां जिंदा नहीं हो सकती। खुदा ने हिजकिएल नबी से कहा कि इन हड्डियों के लिए पेशगोई कर और उनसे कह दो कि खुदा का कलाम सुनो और जिंदा हो जाओ। जब हिजकिएल नबी ने इस कलाम की फरमाबरदारी की तो उसने हैरत से देखा कि हड्डियां हड्डियों से जुड़ गई हैं, उन पर गोश्त आ गया और जिल्द ने उनको ढांप लिया, लेकिन उनमें सांस नहीं था। तब खुदा ने हिजकिएल नबी को कहा कि हवा से कह दे कि चारों तरफ से चले और इनमें सांस भर दे। जब हिजकिएल नबी ने ऐसा ही किया तो वो तमाम हड्डियां एक जिस्म बनकर जिंदा हो गई और बड़ी भीड़ की सूरत इख्तियार कर ली। तब खुदा ने हिजकिएल नबी से कहा कि ये इसराइल की कौम है, वो ये सोचते हैं कि सूख चुके हैं क्योंकि वो गैर कौमों में है और वो अपने वतन वापस नहीं जा सकते, कि मैं उनका खुदा उनको उनकी सरजमीन पर वापस लेके जाऊंगा और जब वो वहां पर बसेंगे तो वो जानेंगे कि मैं खुदा हूँ, ये मेरा वादा है और ये पूरा होकर रहेगा। इसके बाद यहूदी कौम अपने मुल्क को वापस लौट गई और खुदा ने अपने तमाम वादे हिजकिएल नबी के जरिए से पूरे किए। बच्चों, खुदा का कलाम हमेशा सच साबित होता है। हमारी जिंदगियों में भी खुदा अपने वादे पूरे करता है। अगर हम खुदा का और अपने माँ बाप का हुक्म मानते हैं तो खुदा हम सबको बहुत बरकत देता है। बच्चों, मेरा ईमान है कि आज की इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू। बच्चों, जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी मदद करता है। आज की कहानी को याद रखने के लिए आए आज की मेमोरी वर्ड सीखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से हैं। इससे कुछ देर पहले हमने बाइबल की कहानी सुनी और मुझे उम्मीद है कि आपने उसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। सो अभी वक्त है कि हम आज की आयत सीखें। सो आइए मिलकर आज की आयत सीखते हैं। हमारी आज की आयत है, ऐ इसराइल, खुदावंद पर एतमाद कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफकत है, उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है। ज़बूर 130 उसकी सातवीं आयत। एक दफ़ा फिर से मिलकर इस आयत को सीखते हैं। ऐ इसराइल, खुदावंद पर एतमाद कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफकत है, उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है। 130 ज़बूर उसकी सातवीं। बच्चों, इस आयत में शफकत से मुराद खुदा का रहम है और फिदिया से मुराद रहाई और छुटकारा है। खुदा चाहता है कि हम हमेशा उस पर भरोसा रखें ताकि वो हमें हर मुश्किल से छुटकारा दिलाए। सारा और शाइना, आप मुझे बताएं कि इस बॉल के साथ हम क्या करेंगे? खेलेंगे। सारा, आई थिंक हम लोग फन करेंगे। हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इस बॉल के साथ हम एक सरगर्मी करेंगे। आपने एक दूसरे की तरफ बॉल को पास करना है और आयत का एक एक हिस्सा बोलना है। तो क्या आप दोनों तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा, आपने शाइना को बॉल पास करना है और आयत का एक हिस्सा बोलना है। फिर शाइना, आपकी बारी। आपने सारा को बॉल पास करना है और आयत का अगला हिस्सा बोलना है। क्योंकि खुदावन के हाथ में शफकत है, उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है। जबरदस्त बच्चों, आपने बहुत अच्छे अंदाज से आज की आयत सीखी और फिर इसे हमें सुनाया। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस आयत को सीखें और अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। बच्चों, आज भी मेरे पास आपके लिए बाइबल की कुछ सच्चाइयाँ मौजूद है। आज की बाइबल की पहली सच्चाई ये है कि हिजकिएल के नाम का मतलब है खुदा कुव्वत देगा, गॉड विल स्ट्रेंथन। आज की दूसरी सच्चाई ये है कि हिजकिएल ने कुल 6 रोया देखी।
आज की तीसरी और आखिरी सच्चाई ये है कि हिजकेल यसु मसीह की पैदाइश से 586 वर्ष पहले काहिन और नबी होने के लिए चुना गया। हिजकेल एक मजबूत ईमान का मालिक था। उसको बहुत सी पोशीदा बातों की खबर रोया में मिली। उसने अपने दिल और रूह की सच्चाई पर कायम रहने पर जोर दिया। हिजकेल का पैगाम बाबल के इसराइलियों के लिए नहीं बल्कि यरूशलेम में मौजूद रहने वाले यहूदियों के लिए भी था। उसने एक बहालशुदा हैकल और कौम की तस्वीर पेश की। उसको उम्मीद थी कि खुदा उसके लोगों को ज़रूर बचाएगा। आज भी यीशु मसीह के वसीला से गुनाह की कैद में गिरफ्तार लोगों के लिए रिहाई की उम्मीद मौजूद है। हर कोई जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो उसमें रहकर हमेशा की ज़िंदगी पाता है और खुदा का पाक रूह हमारे दिल और रूह को पाक करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। मेहरबान बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ उस हर अच्छी नेमत और बरकत के लिए जो तूने हमें बख्शी। अपना दहना हाथ हमेशा हमारे सरों पर बढ़ाए रखना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। जो खुदा ने हमें तरह तरह के टैलेंट्स अता किए हैं, अब हमें उन टैलेंट्स को अपने अंदर तलाश करने और उसे खुदा की खिदमत और जलाल के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि हम उसमें रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। बच्चों, आई होप कि आज का एपिसोड आपके सबके लिए बरकत का बायस रहा होगा। अब आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और आज के एपिसोड को लाइक करना नहीं भूलना। बाय बाय, टेक केयर।